नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइक ढाली में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप डेव यानी कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, साझेदारी संलेख में किस किस बातों का उल्लेख रहता है। तो जानिए, देखिए मेरे पूरे वीडियोस को, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आते हैं आप उसको पूरे अच्छे से लिख सके। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, होता है इकोनॉमिक्स गुरु एंड ढाली, और पाते रहिए लेटेस्ट वीडियोस आपके अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, बताते हैं आज साझेदारी संलेख के बारे में कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को जानने के लिए मैंने बार बार कहा है कि उसके अर्थ को जानेंगे। पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख का क्या अर्थ है। तो साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, साझेदारी संलेख एक लिखित पंजीकृत या अपंजीकृत समझौता पर लेख है जिसमें साझेदारों के अधिकार कर्तव्य उद्देश्य आदि का उल्लेख रहता है। मींस कहने का मतलब यह है कि साझेदारी संलेख एक लिखित मसौदा होता है जिसमें सभी साझेदारों के बीच जो समझौता होता है उस समझौतों को बिंदुवार लिखा जाता है, जिसमें साझेदारों के अधिकार क्या होंगे, साझेदारी के कर्तव्य क्या होंगे, साझेदार व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, कौन कितना पूंजी लगाएगा, लाभ होने पर लाभों को कैसे बांटा जाएगा, इन सब बातों का बिंदुवार क्रम से उल्लेख रहता है, लिखित रूप लिखा जाता है और बाद में सभी साझेदारों के द्वारा उस मसौदे पर हस्ताक्षर किया जाते हैं और पूरे साझेदारी व्यवसाय के द्वारा उसी संलेख के अनुसार ही व्यवसाय को चलाया जाता है। साझेदारी संलेख के कुछ प्रमुख बिंदु है कि साझेदारी संलेख में किन किन चीजों को अपनाया जाना चाहिए। वैसे साझेदारी संलेख, मैं बता दूं, साझेदारी संलेख का होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है। अगर साझेदारी संलेख नहीं होता है उसके अभाव में एक साझेदारी अधिनियम के तहत कुछ नियम बनाए गए वो लागू हो जाता है, लेकिन किसी भी व्यवसाय के कोई विवाद ना हो इसीलिए साझेदारी संलेख बनाया जाता है। और साझेदारी संलेख बनाना किसी व्यवसाय के लिए हितकर होता है, जरूरी होता है कि सबसे पहला पॉइंट साझेदारी संलेख में होता है कि फर्म का नाम क्या होगा, फर्म किस नाम से चला जाएगा, उसका एड्रेस कहां पर वो फर्म खोला जा रहा है एड्रेस होगा, और फर्म के द्वारा कौन सा मेन बिजनेस किया जाएगा उसका पूरा डिटेल विवरण उसमें दिया जाता है। उसके बाद उस फर्म में जो साझेदार है, जितने पार्टनर है, उस पार्टनर्स कौन कौन होंगे, उनके नाम पते एड्रेस वगैरह जो कुछ भी है, पार्टनरशिप के इंफॉर्मेशन जो डिटेल होता है उस डिटेल को लिखा जाता है। उसके बाद साझेदारों की विनियोजित पूंजी की राशि, मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड बाई पार्टनर्स, पार्टनर के द्वारा व्यवसाय को कितना कितना पैसा लगाया जाएगा, पार्टनर के द्वारा कैपिटल के लिए कितना अमाउंट लाया जाएगा, उन सब बातों का विवरण होता है इसमें। उसके बाद होता है पूंजी आहरण एवं ऋण पर ब्याज की दर। पार्टनर जो कैपिटल लेके आते हैं, जो पूंजी लगाते हैं, उस पर पार्टनर के द्वारा बिजनेस के द्वारा इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, दिया भी जाएगा तो किस अमाउंट में दिया जाएगा, पार्टनर जो पैसा निकालेंगे ड्राइंग करेंगे उस ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। उसके अलावा अगर किसी पार्टनर इमरजेंसी के टाइम में कोई पैसा लगा है, लोन दिया है, तो उस लोन पर किस हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, इन सब का इसमें एक्सप्लेनेशन होता है, लिखा जाता है। उसके बाद लाभ हानि वितरण का रिपोर्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्यवसाय को रन करने पर ऑपरेट करने के बाद हमें साल में 3 महीने के बाद ये जो भी हो एनीथिंग एल्स जैसे भी हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो पार्टनर के बीच में उस प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये सबसे अहम चीज है और इसको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए कि पार्टनर के लाभ हानि को कैसे बांटा जाए। उसके बाद साझेदारों को वेतन या कमीशन, साझेदारों को कोई सैलरी देनी हो या कमीशन देना हो, अदरवाइज रेंट वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा चीज देना हो तो कैसे दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, इन सब बातों का भी इसमें उल्लेख होता है। उसके बाद साझेदारों के अधिकार कर्तव्य और दायित्व, साझेदारों का व्यवसाय के प्रति कौन कौन से अधिकार होंगे, वो कौन कौन से कार्य कर सकेंगे, उनके कौन कौन से ड्यूटीज होंगी और उसके कौन कौन से दायित्व होंगे, इन सब चीजों का भी इसमें लिखा रहता लिखा जाता है। उसके बाद जो अहम चीज है वो होता है विवादों के निपटारे के नियम और विधि। अगर पार्टनरों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद होता है या बिजनेस से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कहीं डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उन सभी डिस्प्यूट्स का जो निपटारा होता है या जैसे भी हो उसका सॉल्यूशन होता है वो किस तरीके से होगा, कौन कौन से विधि है, आपस में बैठ के किया जाएगा या कोर्ट में किया जाएगा, जैसे भी हो उन सब बातों का यहाँ पर उल्लेख रहता है। उसके बाद खातों का लेखा एवं अंकेक्षण, इन सब बातों का भी जिक्र होना चाहिए कि जो खाते बनाए जाएंगे पार्टनरशिप के जो मेन अकाउंट्स है उस अकाउंट्स का बनाया जाना है वो कैसे बनाया जा रहा है और
किस अवधि का बनाया जाए, उसका अंकेक्षण कैसे होना है, किसके द्वारा कराया जाना है, इन सब बातों का भी उसमें जिक्र होता है। और सबसे अहम चीज है इसमें कि अगर नया साझेदार का प्रवेश होता है या किसी साझेदार का रिटायरमेंट होता है, ये मृत्यु होती है, ये मान लीजिए व्यवसाय का विघटन हो जाए, रिजोल्यूशन हो जाए, डिजोल्यूशन होता है, डिजोल्यूशन के टाइम में उन सभी कौन कौन सी प्रक्रिया या नियम को अपनाया जाएगा, उन सभी नियम को विस्तृत व्याख्या किया जाता है ताकि आगे जाने में व्यवसाय से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और किसी भी व्यवसाय के लिए ये अनिवार्य तो नहीं, लेकिन व्यवसाय के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा वो जरूरी हो जाता है कि आप पार्टनरशिप बनाए, क्योंकि पार्टनरशिप में कहीं विवाद वगैरह आगे जाके ना हो, जिसको सोल्यूशन। अगर मान लीजिए किसी व्यवसाय में ये होता है कि एग्जाम में आता है कि मान लीजिए पार्टनरशिप में साझेदारी संलेख की अनुपस्थित भी हो, अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो पार्टनरशिप में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं कि पार्टनरशिप संलेख के अभाव में सबसे पहला जो होता है कि सबसे पहला जो नियम लागू होता है वो लागू होता है कि जो लाभ और हानि होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का बराबर बांटा जाना। साझेदारी संलेख ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि जो भी लाभ हानि होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसको इक्वल पार्टनरशिप के पार्टनरों के बीच में बांटा जाएगा। नंबर टू, ऋणों पर 6% पर एनम ब्याज, पार्टनर के द्वारा जो भी ऋण दिया जाएगा यानी एक्स्ट्रा लोन दिया जाएगा, उस लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से ही ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ नियम है, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं, कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा, और साथ ही साथ पार्टनर के द्वारा किए गए ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। ये मुख्यतः पॉइंट पांच पॉइंट होता है जो बिजनेस के लिए जरूरी है। अगर साझेदारी संलेख अगर इन सब का उन्होंने पहले से तय नहीं किया है तो ऐसे में साझेदारी संलेख अगर ना होता, पार्टनरशिप ना होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल बांटा जाता है। अगर किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा लोन दिया 6% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है, कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, नो सैलरी, नो कमीशन एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब पर काम किया जाता है। यानी कि इन सब चीजों को अगर एग्जाम में आता है तो आसानी से लिख सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे तो। देखते रहे मेरे आगे आने वाले वीडियोस। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।